हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे थे बायो के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसमें हमारा टॉपिक है आज का ह्यूमन फिजियोलॉजी। तो आज हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो अगर आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, मेल सेक्स हार्मोन इज, मेल सेक्स हार्मोन का नाम बताना है। तो नाम है टेस्टोस्टेरोन। मेल सेक्स हार्मोन का नाम क्या है? टेस्टोस्टेरोन। और फीमेल सेक्स हार्मोन का नाम क्या है? एस्ट्रोजन। फीमेल सेक्स ऑर्गन जो है, सॉरी हार्मोन जो है, एक है एस्ट्रोजन और दूसरा है प्रोजेस्ट्रॉन, राइट? एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन। नेक्स्ट है, एस्ट्रोजन इज सिक्रीटेड बाय, एस्ट्रोजन जो है उसको कौन सा ऑर्गन सेक्रीट करता है? अब देखो, सिंपल सी बात है, एस्ट्रोजन सेक्रीट होता होगा ओवरी से। कहाँ से सेक्रीट होता है? ओवरी से। अब ओवरी जो है उसके अंदर भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं, तो उसमें से एस्ट्रोजन कौन सेक्रीट करता है? तो एस्ट्रोजन ओवरी के अंदर होती है ग्राफिकन फॉलिकल्स जिनके थ्रू सेक्रीट होता है एस्ट्रोजन, राइट? नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज कॉल्ड एमरजेंसी हार्मोन। एमरजेंसी हार्मोन कौन से हार्मोन को बोला जाता है? एमरजेंसी हार्मोन भी बोला जाता है, एक और है इसका नाम एपिनेफ्रिन। और इसका नाम क्या है? एपिनेफ्रिन। एमरजेंसी हार्मोन को और किस नाम से जाना जाता है? एपिनेफ्रॉन। और कौन सा हार्मोन है? तो हार्मोन का नाम है एड्रीनेलिन। एड्रीनेलिन को एमरजेंसी हार्मोन भी बोला जाता है और एपिनेफ्रिन भी बोला जाता है। और ये कौन सा ऑर्गन है जो इसको सेक्रीट करता है? तो ये सेक्रीट होता है एड्रीनल मेडुला के थ्रू, राइट? ये क्या है? ये एक तरह का स्ट्रेस हार्मोन है। जैसे ही हमें कई बार बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है या कोई एकदम से इमरजेंसी आती है, जैसे हमें लगता है कि कहीं से कोई डेंजर आ रहा है, तो उस टाइम पे ये हार्मोन जो है वो सेक्रीट होता है। कहाँ से होता है? एड्रीनल मेडुला से ये हार्मोन सेक्रीट होता है, राइट? नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर को कौन सी ग्लैंड कंट्रोल करती है? तो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है एड्रीनल ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड कंट्रोल करती है? एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड कहाँ पे होती है? ये होती है हमारी किडनीज में। कहाँ पे होती है? हमारी किडनीज में प्रेजेंट होती है एड्रीनल ग्लैंड। नेक्स्ट है, लाइफ सेविंग हार्मोन इज सिक्रीटेड बाय। लाइफ सेविंग हार्मोन ये कौन सी ग्लैंड सेक्रीट करती है? तो लाइफ सेविंग हार्मोन अगेन एड्रीनल ग्लैंड सेक्रीट करती है। लाइफ सेविंग हार्मोन जो होता है उसका नाम क्या है? उसका नाम है एल्डोस्टेरोन। नाम क्या है हार्मोन का? एल्डोस्टेरोन नाम है हार्मोन का। और इसको लाइफ सेविंग हार्मोन क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये क्या करता है? ये हमारे ब्लड वॉल्यूम को जो है उसको मेंटेन करने के लिए बॉडी में ये सोडियम एंड वाटर को रिटेन करके रखता है, राइट? जो एड्रीनल ग्लैंड है ये सेक्रीट करता है एल्डोस्टेरोन। एड्रीनल ग्लैंड कौन सा हार्मोन सेक्रीट करता है? एल्डोस्टेरोन हार्मोन सेक्रीट करता है। और ये वाला जो हार्मोन है, एल्डोस्टेरोन वाला जो हार्मोन है, ये हार्मोन क्या करता है? ये हमारे ब्लड की सर्कुलेशन को मेंटेन करने के लिए बॉडी में सोडियम एंड वाटर को मेंटेन करने का काम करता है। सोडियम एंड वाटर को मेंटेन करने का काम करता है, सो दैट कि जो हमारी बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन है उसको मेंटेन किया जा सके। इसीलिए इसको लाइफ सेविंग हार्मोन भी बोला जाता है। नेक्स्ट, विच वन अमंग द फॉलोइंग ग्लैंड्स इज प्रेजेंट इन पेयर्स इन ह्यूमन बॉडी। पेयर्स में कौन सी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है? तो पेयर्स में आती है एड्रीनल ग्लैंड। कहाँ पे होती है? मैंने बताया था एड्रीनल ग्लैंड किडनीज में प्रेजेंट होती है। तो हमारे बॉडी के अंदर दो किडनीज होती है, राइट? दो किडनीज है तो एड्रीनल ग्लैंड्स भी दो होगी। तो ये जो किडनी होती है ना, तो किडनी के ऊपर यहाँ पे जो इंटीरियर पार्ट होता है किडनी का, इंटीरियर पोर्शन जो है ऊपर वाला, तो यहाँ पे ये एड्रीनल ग्लैंड्स जो है ये प्रेजेंट होती है। और ये जो एड्रीनल ग्लैंड है इसमें दो तरह के टिश्यूज होते हैं। ये एड्रीनल ग्लैंड जो है इसमें दो तरह के टिश्यू होते हैं, एक होता है एड्रीनल मेडुला और दूसरा होता है एड्रीनल कॉर्टेक्स, राइट? दो टिश्यूज होते हैं, एड्रीनल मेडुला एंड एड्रीनल कॉर्टेक्स।
नेक्स्ट है इंसुलिन इज अ काइंड ऑफ, इंसुलिन क्या है? इंसुलिन जो है ये एक हार्मोन है. इंसुलिन क्या है? ये एक हार्मोन है जो कि हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है उसको मेंटेन करके रखता है, एक नॉर्मल रेंज में करके रखता है. किसको? ब्लड ग्लूकोज लेवल को. किसको मेंटेन करता है? ब्लड ग्लूकोज लेवल को ये हमारी बॉडी में मेंटेन करके रखता है जो इंसुलिन होता है, राइट. इसीलिए आपने जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनको इंसुलिन के इंजेक्शंस दिए जाते हैं, राइट. तो क्यों? क्योंकि ये हमारी बॉडी में ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करता है. नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग मिनरल्स, कैल्शियम, आयरन एंड सोडियम. क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द मिनरल्स गिवन अबव इज आर रिक्वायर्ड बाई ह्यूमन बॉडी फॉर द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स. मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए कौन से मिनरल्स जो है वो रिक्वायर्ड होते हैं? सबसे पहले बात करते हैं कैल्शियम की. कैल्शियम मिनरल है, ये मसल की रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन में हेल्पफुल होता है. सेकेंडली आयरन, आयरन जो है ये मायोग्लोबिन बनाता है. जो आयरन है ये हमारी बॉडी में मायोग्लोबिन बनाता है, और ये जो मायोग्लोबिन है ये क्या करता है? ये आगे ऑक्सीजन को स्टोर करता है जिससे कि हमारी बॉडी के अंदर मसल कॉन्ट्रैक्शन होती है, राइट. तो ये भी मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्पफुल होता है. फिर थर्ड आ गया सोडियम. सोडियम क्या है? सोडियम जो होता है ये हमारी बॉडी में फ्लूइड को बैलेंस करता है. सोडियम क्या करता है? फ्लूइड को बैलेंस करता है और साथ ही साथ मसल कॉन्ट्रैक्शन में भी हेल्पफुल होता है. तो तीनों के तीनों मिनरल्स ही मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्पफुल होते हैं. तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, 1, 2 and 3, कैल्शियम, आयरन एंड सोडियम. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सेल सिक्रीट इंसुलिन. इंसुलिन कौन से सेल सिक्रीट करते हैं? तो इंसुलिन जो होता है ये सिक्रीट होता है बीटा सेल्स के थ्रू. कौन से सेल्स के थ्रू सिक्रीट होता है? बीटा सेल्स के थ्रू. अब एक होते हैं अल्फा सेल्स, एक होते हैं बीटा सेल्स. जो बीटा सेल्स होते हैं ये सिक्रीट करते हैं इंसुलिन, और जो अल्फा सेल्स होते हैं वो सिक्रीट करते हैं ग्लूकाजन. अल्फा सेल्स क्या सिक्रीट करते हैं? ग्लूकाजन. ग्लूकाजन सिक्रीट करते हैं अल्फा सेल्स, और बीटा सेल्स इंसुलिन सिक्रीट करते हैं. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन. इंसुलिन की सिक्रीशन, अब यहाँ पे सेल का क्वेश्चन था कि कौन सा सेल करता है. अब ये सेल कहाँ पे होते हैं? कौन सी ग्लैंड के अंदर प्रेजेंट होते हैं ये जो सेल होते हैं बीटा अल्फा सेल्स? तो इंसुलिन की जो सिक्रीशन होती है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है पैनक्रियास. कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? पैनक्रियास रिस्पॉन्सिबल होता है. पैनक्रियास के अंदर अल्फा सेल्स और बीटा सेल्स होते हैं, और बीटा सेल्स सिक्रीट करते हैं इंसुलिन को, और अल्फा सेल्स सिक्रीट करते हैं ग्लूकागन को. नेक्स्ट है द फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ किडनी इज. किडनी का जो फिल्ट्रेशन यूनिट है वो कौन सा होता है? किडनी में जो फिल्ट्रेशन का काम होता है वो करते हैं नेफ्रॉन्स. कौन करते हैं? नेफ्रॉन्स. और जो नेफ्रॉन्स होते हैं किडनी के अंदर वो लाखों में होते हैं, राइट, जो कि कंटिन्यूसली फिल्ट्रेशन का काम करते रहते हैं. और ये जो नेफ्रॉन्स होते हैं ये वाटर आयन और जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको ब्लड से सेपरेट करते हैं और फिल्टर आउट कर देते हैं वाटर को एंड टॉक्सिन्स को, राइट. नेक्स्ट है आइलेज ऑफ लैंगरहैंस. आइलेज ऑफ लैंगरहैंस इज सिचुएटेड इन. आइलेज ऑफ लैंगरहैंस ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? तो ये होते हैं हमारे पैनक्रियास में, राइट. इंसुलिन का क्वेश्चन बड़ा था ना, इंसुलिन सिक्रीट करता है पैनक्रियास. पैनक्रियास कहाँ पे होता है? ये रहा लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है पैनक्रियास का. यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है पैनक्रियास का, और ये जो पैनक्रियास है इन्हीं में सिचुएटेड होते हैं आइलेज ऑफ लैंगरहैंस. यहाँ पे ये छोटा सा आपको डॉट दिख रहा होगा, इसको बोलते हैं आइलेज ऑफ लैंगरहैंस. नेक्स्ट है कॉर्पस ल्यूटियम इज अ मास ऑफ सेल्स फाउंड इन. कॉर्पस ल्यूटियम ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? ये ओवरी में प्रेजेंट होते हैं. कहाँ पे होते हैं? ओवरीज में. ये यूट्रस है तो यहाँ पे आ जाती है ओवरीज. तो ओवरीज के अंदर प्रेजेंट होते हैं कॉर्पस ल्यूटियम. ये रहा इसका ओवरी का जो है आगे डायग्राम, जिसमें ये रहा कॉर्पस ल्यूटियम, राइट. नेक्स्ट है हार्मोन इंसुलिन इज अ. इंसुलिन क्या है? इंसुलिन एक पेप्टाइड है. इंसुलिन क्या है? इंसुलिन एक पेप्टाइड है जिसको कौन प्रोड्यूस करता है? बीटा सेल्स ऑफ पैनक्रियाटिक आइलेस. पैनक्रियास
सिक्रीट करता है। पैनक्रियाज में कौन से सेल्स सिक्रीट करते हैं? बीटा सेल्स सिक्रीट करते हैं। ये एक पेप्टाइड है। नेक्स्ट है, विच वन अमंग द फॉलोइंग एंजाइम्स इज यूनिक इन द एलिमेंट्री कैनाल ऑफ कैटल? कैटल की एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है? दिस इज द पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम के दो पार्ट्स होते हैं, एक होती है एलिमेंट्री कैनाल और दूसरी होती है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो एलिमेंट्री कैनाल क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है। तो इसमें ये जो कैटल की एलिमेंट्री कैनाल होती है, इसमें एक यूनिक एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसको क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं सेलुलेज। क्या बोलते हैं? सेलुलेज। अब देखो, जो कैटल होती है, कैटल क्या खाती है? ग्रास वगैरह, सूखी जो ग्रास होती है उसको खाती है। अब उसमें क्या होता है? सेलुलोज होता है, और वो सेलुलोज कैटल खुद जो है उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकती, इसीलिए उसकी डाइजेशन के लिए जो एलिमेंट्री कैनाल होती है उसमें सेलुलेज नाम का एंजाइम प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट, स्ट्रॉन्गेस्ट मसल ऑफ मैन फाउंड इन, हमारी बॉडी के अंदर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मसल जो होता है वो कौन सा होता है? सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मसल है जॉ। कौन सा है? जॉ है हमारी बॉडी के अंदर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मसल जो है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन हैव इट्स ओन वेव ऑफ ऑटोनॉमिक एक्साइटेशन? ऑटोनॉमिक एक्साइटेशन अपनी कौन से ऑर्गन के अंदर होती है, मतलब कौन सा ऐसा ऑर्गन है जो अपने आप ही काम करता है उसके लिए? मतलब ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलरली हम फूड लेंगे या हम कुछ करेंगे तभी वो ऑर्गन अपना काम करना शुरू करेगा, ये ऑटोमेटिकली 24 आवर काम करता रहता है, चाहे हम सो रहे हैं, चाहे जाग रहे हैं, चाहे कोई काम कर रहे हैं। तो कौन सा ऑर्गन है जो ऑटोमेटिकली 24/7 जो है वो वर्क करता रहता है? तो ऑर्गन का नाम है हार्ट। जो हार्ट है वो कंटिन्यूसली काम करता रहता है। नेक्स्ट है, अ पर्सन फील फटीग्ड ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ एसिड इन देयर मसल इज। अब देखो, कई बार हमें बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है। क्यों थकान होती है? क्योंकि हमारे जो मसल्स होते हैं ना, मसल्स के ऊपर जो है क्या डिपोजिशन होती है? लैक्टिक एसिड की डिपोजिशन होती है। हमारे मसल्स पे जब लैक्टिक एसिड की डिपोजिशन हो जाती है तो उसकी वजह से हम जो है थके थके महसूस करते हैं, थके थके फील करते हैं, हमें ऐसा लगता है कि हम बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, टायर्ड फील करते हैं, राइट? तो ये जो है इसको बोलते क्या है? इसको बोलते हैं टेटनी। ये जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन को क्या बोलते हैं? टाइटनी या फिर मसल फटीग। मसल फटीग के लिए दूसरी टर्म कौन सी है? टेटनी, राइट? नेक्स्ट है, कॉर्निया इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ। कॉर्निया, जो कॉर्निया होता है ये प्रेजेंट होता है हमारी आई के अंदर। तो आई में ये जो आपको अंदर वाइट वाली ये लाइन जो दिखाई दे रही है इसको बोलते हैं कॉर्निया, राइट? सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।